गठबंधन को एक बड़ा झटका देकर ममता बनर्जी इस बैठक में पहुंचती हैं, लेकिन अचानक बैठक से बाहर निकलती हैं और आरोपों की बौछार ममता की ओर से की जाती है। हालांकि सीधे सीधे ममता के आरोपों को मनगढ़ंत बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को भी उतना ही समय दिया गया जितना दूसरे मुख्यमंत्रियों को दिया गया था। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। সেই জন্য আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে টু রেকর্ড আওয়ার ভয়েস আমি জাস্ট যাচ্ছি কিছুক্ষণ থাকবো ভয়েস রেকর্ড করতে গিয়ে রেকর্ড করবো না হলে প্রতিবাদ করবো করে বেরিয়ে আসবো সুতরাং চেষ্টা করবো আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা। বিপক্ষ কি বিকাশ বিরোধী সিয়াসত সে আব পর্দা উঠনে লগা হ্যায় নেতাওঁ কা আসলি চেহারা সামনে আনে লগা হ্যায়। केंद्र सरकार का विरोध करते करते अब नेता देश के विकास के लिए बनी नीतियों का भी विरोध करने लगे हैं और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई जिसमें शामिल होने पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आईं। आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने की अनुमति मिली जबकि वो और बोलना चाहती थी। मैं बोलने चाहते थे उत्तराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला और अपोजिशन का ओर से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन, आई विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग फर्दर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी का ये प्री प्लान कदम था? क्या ममता पहले से ही ये सोच कर आई थी? क्या ममता बनर्जी की नियत पहले से ही ऐसा करने की थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले ही ऐसा करने के संकेत दे दिए थे। वहीं ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्र के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद नहीं किया गया था। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार उनकी बारी लंच के बाद आती, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर ममता को 7वें स्पीकर के तौर पर शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। नीति आयोग की जो बैठक हो रही है वो देश के विकास में हमारी नीतियां कैसी रहे इस पे हो रही है। राज्य भी उसमें सहभागिता करे तो अच्छा है। अब लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मैं देख रहा हूं, आपके माध्यम से जानकारी कर रहा हूं कि इस बजट में हमारे राज्य का नाम नहीं आया। अब भाई नाम नहीं आया तो इसका मतलब क्या, उस राज्य में बजट लगेगा नहीं? जैसे महाराष्ट्र का तो उन्होंने खोल करके बताया वित्त मंत्री जी ने, भाई महाराष्ट्र का नाम नहीं है बजट में, नहीं है महाराष्ट्र में क्या करेंगे। लेकिन 96,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया भी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लगेंगे। ये राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ ममता बनर्जी के आरोप हैं तो दूसरी तरफ ममता दीदी के पहले से तय कार्यक्रम की बात भी सामने आ रही है। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच कौन कितना सच्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी का गुस्सा सियासी है? क्या वो पहले से प्लान करके आई थी कि उन्हें कम समय मिलेगा और वो ऐसे ही छोड़कर मीटिंग जाएंगी? क्योंकि जो उनके बोलने का समय है वो लंच के बाद का था, पोस्ट लंच था, लेकिन उन्होंने अपनी जल्दबाजी के चलते लंच से पहले मौका लिया और उसमें स्लॉट से 5 मिनट का ही था, तो ये गुस्सा क्या सियासी है? देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये सवाल इसलिए जायज़ लग रहा है क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी की एंट्री होती है और उसके बाद वे सीधे यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट रवाना हो जाती है, यानी ये पहले से स्क्रिप्टेड था, ये पहले से तय था और यही वहाँ पर होता हुआ नजर भी आया। साफ तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से जब वे बाहर निकल कर सामने आई तो उनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि उन्हें कम वक्त दिया गया और उनका बीच में माइक 5 मिनट बाद की बंद कर दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें निकल कर सामने आई तो साफ तौर पर बताया गया, ये स्पष्ट निकल कर सामने आया, ये बातें स्पष्ट हुई कि 5 मिनट का वक्त था और वो वक्त डिस्प्ले हो रहा था जो उनके टेबल पर उनके सामने ही डिस्प्ले हो रहा था और उनका वक्त खत्म हो गया था, उसके बाद उनकी बात कंप्लीट हो गई थी। यानी समझा जा सकता है कि हाल ही में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने भी ये कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रखे हैं वो निराधार हैं और वो गलत हैं, भ्रामक जानकारियां उनकी तरफ से प्रेषित की गई हैं, जबकि वे भी उस बैठक में मौजूद थी, वक्त तय था, तय वक्त में उनकी बात कंप्लीट हो रही थी
डिस्प्ले पर जो टाइमिंग है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा था, और जब डिस्प्ले कंप्लीट हुआ उसके बाद उनकी बात उनकी कंप्लीट हो गई थी। यानी समझा जा सकता है कि उनके तरफ से जो कहा गया कि माइक बीच में बंद कर दिया गया, मुझे बोलने का वक्त नहीं दिया गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निराधार नजर आती है। एक इसके पीछे का बड़ा कारण ये भी नजर आता है क्योंकि जब नीति आयोग की बैठक होती है तो तमाम मुख्यमंत्रियों के बोलने का जो शेड्यूल होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि उन्हें निकलना है, यही कारण है कि उन्हें 7वें नंबर पर बोलने के लिए वक्त दिया गया, और जब उनका वक्त कंप्लीट हुआ उसके बाद उस माइक को बंद भी नहीं किया गया लेकिन उनकी बात कंप्लीट हो गई थी। यानी ये समझा जा सकता है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और यही कारण है कि इस तरह की राजनीति जो है वो नीति आयोग को लेकर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का मकसद स्पष्ट है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और न सिर्फ विकसित राष्ट्र बनाना है, एक और बात ठीक है दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए सरकार को खिलाफ लगातार जो ममता बनर्जी ढोल पीट रही है उसको लेकर लोगों को भी समझ आ रहा है कि ये सब कुछ सियासत से जुड़ा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया दीपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको सृष्टि बताएंगी। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से हमने देखा ममता बनर्जी की ओर से बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं कि खींचतान मची हुई दिखाई दे रही है। नेताओं का दिल्ली आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और माना जा रहा है कि एक बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण यहां पर है, और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का हल आज की इस बैठक में यानी कि दिल्ली दरबार में निकलता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं, एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच सियासी उथल पुथल मची है। हालांकि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसे कोरी अफवाह के साथ विपक्ष का फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया और उसी का ये परिणाम, लेकिन धीरे 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 प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है। इस वक्त यूपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सीएम योगी के